हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनसीओ क्या होता है, एनओसी पे आपको कौन सा आप यहाँ पर कोड डाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन में आप लोगों को क्या क्या डालना है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं, आगे जाके आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा है, उसके बाद कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आप लोगों को, मैं इसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर एक पीडीएफ है, इसमें मैं आप सभी को बताता हूँ। अगर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर गाँव से यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, कोई भी राज्य से है जहां आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में अधिकांश लोग आपको यहां पे कृषि पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, कृषि पे है। और मैं दिखा देता हूं आपको, एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसमें आपका एनसीओ कोड ये हो गया, और उसका नाम यहाँ इंग्लिश में हो गया, और इधर व्यापार व्यवसाय परिवार का नाम, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, ये कोड हो गया, क्रम संख्या, ठीक है। और यहाँ आपका सेक्टर से नेम, एग्रीकल्चर है क्या है, किसके ऊपर डिपेंड आप लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, उसके ऊपर है। यहाँ पर है, जैसे हम यहाँ पे पहाड़ से हैं, जैसे उत्तराखंड के गांव से हैं, तो वहाँ पे खेत की फसल और सब्जी उत्पादन करते हैं अधिक सारे लोग, तो हम वहाँ पे ये वाला ऑप्शन डाल देंगे, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। कोई वहाँ पे पशुधन और दूध डेयरी का उत्पादन करता है, तो ये वाला डाल देंगे। अलग अलग है फसल, फार्मर श्रमिक है, अगर वो कहीं काम करने जाता है डेयरी, तो उसका ये वाला आ जाएगा। बागवानी वृक्षारोपण वाला, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसमें नीचे अभी और दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें बहुत सारे लोग ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर्स के लिए भी यहाँ पे सिलाई मशीन वाला भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन का मतलब आप लोग वो क्या काम करते हैं, आप लोगों को वो फील करना है, ठीक है। आप 101% यहाँ समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति क्या काम, अगर मैं ड्राइवर हूँ यहाँ पर, तो ड्राइवर का आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या परिवहन, अगर कंडक्टर, कंडक्टर ड्राइविंग प्रशिक्षण, मतलब वो दूसरों को सिखाता है, जो पीली गाड़ियां होती है, जो सिखाने का काम करते हैं, वहां पर आप लोगों को ये वाला डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आप सभी यहाँ पे, मैं मोटर्स व्हीकल्स, और यहाँ पर देख सकते हैं वाहन को मैकेनिक का जो काम करें, मरम्मत का काम करते हैं, ठीक है, ये वहां पर हुआ जाएगा। टैक्सी वैन चालक ये वाला आ जाएगा, ठीक है, वैन ड्राइवर, बहुत सारे लोग जो ड्राइवर लोग हैं, जो टैक्सी का काम करते हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो कार ऊपर नीचे ये इसका काम करते हैं, तो ये आ जाएगा। जो बस वस चलाते हैं उसका ये आ जाएगा। भारी डंपर हम्पर चलाने वालों का, ऑटोमोबाइल्स वगैरह का ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का भी है, ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में ये आ जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर वाला जो भी है, ब्यूटी पार्लर में कोई अगर हेयर कटिंग वाला है, वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर नीचे मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, आप यहाँ पर से इसका ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे किसी की दुकान वगैरह है, ज्वेलरी की दुकान वगैरह है, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, कुम्हार वगैरह यहाँ से, ठीक है। और प्लास्टिक उत्पादन मशीन है, ऑपरेटर वगैरह है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो शहर में जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, और घर बनाने वाले जो निर्माण कार्य करते हैं, जो हमारे मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। ईंट बनाने वाले का अलग है, आप समझ गए होंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिपेंड करता है वो क्या काम कर रहा, वही आप लोगों को यहाँ पर फील करना है, ठीक है। और घर रसोईया घर, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे दिखा देता हूँ, इसमें सभी कुछ है, हैंडीक्राफ्ट वाला भी है, जो हाथ से आप लोग काम करते हैं, कपड़ा सिलाई है, बुनाई का काम है, ठीक है। और लकड़ी कटोरी संबंधित हाथ से जो कारीगर होते हैं, हाथ के कारीगर होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे इसमें देखते हैं हैंडी केयर्स है, जो हाथ से बनाई जाती है। और नीचे हम आपको और दिखा देते हैं, टोटल इसमें जो कितने कॉलम है मैं आप लोगों को बताता हूँ, 156 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग है, कोई वेटर का काम करता है तो वेटर लिख देंगे, रसोई सहायक है, किचन हेल्पर है, उसका आ जाएगा, जो होटल में कार्य करते हैं उनका आ जाएगा इसमें यहाँ पे नाम वगैरह। और यात्रा मार्गदर्शन वाले भी हैं, ट्रेवलर्स गाइड, जो नैनीताल में जो बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट को घुमाने का काम करते हैं, उनका अलग बनेगा, ठीक है। हर किसी का अलग अलग कार्ड बनेगा, आप पे निश्चित तरह से समझ जाइए, ठीक है।
तो मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो पे। मैंने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं इस रम कार्ड पे, उन्हें आप लोग देखते हैं, उनसे कोई ना कोई सहायता आपको जरूर मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो नई टॉपिक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ऑक्यूपेशन में आप लोगों को क्या डालना है। तो थैंक यू।